अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिमल मोमिन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इकरा अजीज के बेबी के बाद सबको जैद अली और जमुना के बेबी का इंतज़ार था। तो अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, जैद अली ने अपने मदाहों को एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट के जरिए अपने मदाहों को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 18 अगस्त को मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। उन्होंने बेटे का नाम इज़ान अली जैद रखा है। उसके बाद जैद अली ने कुछ देर के लाइव आकर अपने मदाहों के साथ अपने बेबी की पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर किया। उस क्योंकि जैद अली और जमुना जैद अपने बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए उन्होंने अपने मदाहों के साथ बेबी के बहुत सारे इवेंट शेयर किए, जैसे कि नेम रिवीलिंग, बेबी शावर और बेबी की शॉपिंग करते हुए काफ़ी वीडियोज़ उन्होंने अपने मदाहों के साथ शेयर की थी। जमुना और जैद अली अपने पहले बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने हर अपनी चीज़ अपने मदाहों के साथ शेयर की। हर बेबी की नई चीज़ और हर बेबी के इवेंट को अपने मदाहों के साथ बहुत शौक से शेयर किया। हमारी तरफ से भी जैद को उनके बेटे के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इनके बेटे को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला उनको ढेरों खुशियाँ दे और अपने बेबी का हर ख्वाब पूरा कर सकें। उन तमाम लोगों के लिए भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ये खुशी से नवाजे जो इस खुशी से महरूम हैं। जैद और जमुना के बाद अब सबको सारा और फलक के बेबी का बेताबी से इंतज़ार है, क्योंकि सारा भी वक्तन फ़क्तन अपनी वीडियोज़ और शॉपिंग बेबी की शॉपिंग की काफ़ी वीडियोज़ मदाहों के साथ शेयर करती नज़र आती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।